हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के तीन दिन बाद सोमवार को मौसम खुला। प्रदेश भर में धूप खिलने के बाद बर्फ से लकदक पहाड़ चांदी की तरह चमक उठे। हालांकि बर्फबारी के बाद धूप तो निकली है, लेकिन लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। अब एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। लाहौल स्पीति में सोमवार को दो गांव में एवलांच आया। हालांकि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खराब मौसम के चलते सूबे में 7 लोगों की जान सोमवार को गई। इसमें शिमला में बर्फ में गाड़ी स्किड होने से बच्ची और गर्भवती सहित 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं चंबा में घर पर चट्टान गिरने से भीतर सो रही एक बुजुर्ग महिला की दबकर मौत हो गई है। शिमला के रामपुर में वजीर बावड़ी नीरमंड मार्ग पर पहाड़ी दरकने से एक युवक चट्टानों की चपेट में आ गया, जिससे उसने दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर बाद अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास सिस्सू में पहाड़ी से हिमस्खलन हुआ। इससे चंद्रा नदी का बहाव कुछ देर के लिए रुक गया, हालांकि बाद में नदी का बहाव सामान्य हो गया। जनजातीय क्षेत्र लाहौल घाटी के राशेल लिंगर गांव के बीच वामतट की पहाड़ी से भी लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में हिमस्खलन हुआ है। हिमाचल भर में बर्फबारी और बारिश के चलते अब भी 6 नेशनल हाईवे समेत 774 सड़कें ठप है। 2054 बिजली ट्रांसफार्मर बंद होने से कई गांवों में ब्लैकआउट है। जल स्रोत और पानी की 249 परियोजनाएं जम जाने से जल संकट गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल।